नमस्कार, मैं हूं लवली सिंह। आप देख रहे हैं एन भारत समाचार। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश धीमरखेड़ा सैडोल सांसद हिमांद्री सिंह चुनाव को जीतने के बाद पहली बार बुधवार को धीमरखेड़ा पहुंची, जहां जनपद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा सांसद हिमांद्री सिंह ने अपने उद्बोधन के बाद कार्यकर्ताओं और आम जनता की समस्या को सुना। मौके पर संबंधित अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्या का समाधान कराने के निर्देश दिए हैं। इसके पूर्व उमरिया पान में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद का स्वागत किया। वहां से भारत के केंद्र बिंदु व सांसद आदर्श ग्राम करौंदी में सांसद हिमांद्री सिंह ने पौधारोपण किया। कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। करौंदी और धीमरखेड़ा जनपद के सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी की गई। सांसद हिमांद्री सिंह, जिला अध्यक्ष राम रतन पायल, भाज यूमो जिला अध्यक्ष मृदुल द्विवेदी सहित अन्य भाजपा के नेता व कार्यकर्ता बिगर मास्क के रहे। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष राम रतन पायल, नरेंद्र मारवी, भाज यूमो जिला अध्यक्ष मृदुल द्विवेदी, जिला उपाध्यक्ष राजेश चौरसिया, मंडल अध्यक्ष गोविंद प्रताप सिंह, प्रशांत राय, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष विजय दुबे, किशन राय, जिप सदस्य धीरेन्द्र बहादुर सिंह, जितेंद्र अरोरा, सुशील राय, प्रदीप चौरसिया, आशीष चौरसिया, जयपाल सिंह, नरेंद्र उपाध्याय, ललित गौतम, जगदम्बा पाठक, अनिल बागरी, विजय बागरी, इफरान खान, अंकित झारिया, राजेंद्र चौरसिया, सरपंच शैलेंद्र झारिया, संतोष यादव, राजेश आष्टी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही।